नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। राज्य की रघुवर सरकार पर जुमलेबाजी की सरकार का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हल्ला बोल दिया है। चाईबासा में हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए झामुमो के विधायकों ने रघुवर सरकार पर हमला किया, सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने और ठगने का आरोप लगाया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में बिजली पानी की समस्या को लेकर झामुमो के चार विधायकों ने आज पुराना डीसी ऑफिस के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना में चाईबासा विधायक दीपक बिरवा, चक्रधरपुर विधायक शशिभूषण सामंत, मनोहरपुर विधायक जोबा मांझी और मझगांव विधायक निरल पूर्ति भी शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक मंगल सिंह बबोंगा, नगर परिषद उपाध्यक्ष डोमामिन सहित झामुमो के तकरीबन 1000 कार्यकर्ता धरना में शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए झामुमो के चारों विधायक ने राज्य के रघुवर सरकार को बिजली और पानी के मुद्दे पर जमकर घेरा। चारों विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री में कोल्हान में 24 घंटे तक दिसंबर 2018 तक बिजली देने और घर घर शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का वादा किया था, लेकिन आज कोल्हान में न तो बिजली मिल रही है न ही गांव में बिजली पहुंची है। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, झूठे वादा करने वाली सरकार है, जनता जाने इसलिए हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। झामुमो कोल्हान में गांव गांव और घर घर में सरकार के जनविरोधी नीतियों को पहुंचाएगा और झारखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए आदिवासी मूलवासी मुख्यमंत्री बनाएगा। रघुवर सरकार के विरुद्ध में हल्ला बोल कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और एक दिवसीय धरना के माध्यम से करेंगे। तो जो जुमलेबाजी की घोषणाएं होती है सरकार के द्वारा, उसको हम लोग जनता के सामने उजागर करते हैं। इसमें मुख्य चीजें यही है, बिजली पानी पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। रघुवर जी बोलते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कि 2018 दिसंबर तक पूरे राज्य को 24 घंटा बिजली आपूर्ति हम देंगे। यदि हम नहीं दे पाए तो फिर हम वोट मांगने भी पूरे राज्य में हम कहीं नहीं आएंगे। तो उनका 2018 तो पार हो गया। बिजली ही छोड़िए, लाल पानी कोल्हान का आदमी कोई नहीं पिएगा, पानी के लिए किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को बता दें, विगत 5 वर्षों से विधायक के द्वारा जो पर पंचायत 5 चापाकल लगाई जाती थी उस पर भी जो है ना बैन लगा दिया गया। और हम सुन रहे हैं कि परसों 4-5 दिन पहले ये कैबिनेट से फिर से जो है ना विधायकों को चापाकल लगाने के लिए अनुमति दिया जा रहा है। जब कार्यकाल खत्म हो जाए 5 साल का तो फिर अभी चापाकल की लोग बात कर रहे हैं। इस तरीके से जो कोल्हान स्पेशल एरिया मानकी मुंडाओं के माध्यम से जो सामाजिक सिस्टम है जिसमें संवैधानिक अधिकार है, यहाँ के भू राजस्व बंदोबस्ती और ग्राम सभा से संबंधित सारे काम का निपटारा मानकी मुंडाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन सरकार जैसे ही रघुवर सरकार आई, सबसे पहले तो ऑनलाइन सिस्टम लगा दिए, लगान रसीद इन लोगों को खत्म कर दिया, बंदोबस्ती खत्म कर दिया इन लोगों के माध्यम से, और ग्राम सभा की सारे सिस्टम को ये खत्म कर दिया। कहने का मतलब मानकी मुंडा सिस्टम जो यहाँ की आत्मा है 5वीं अनुसूची का कोल्हान क्षेत्र का, उसको भी खत्म करने का इस सरकार ने कहा। अभी फसल बीमा योजना विगत 3 वर्षों से लोगों ने 100 रुपया देकर के जो जमीन का फसल का बीमा करवाया, 3 साल से आज तक जो है ना ये सरकार भुगतान नहीं किया। उसके बाद ये और सुनकर आश्चर्य होगा, लैंप्स के द्वारा जो धान का क्रय किया है सरकार ने, उन किसानों को जिनका धान सरकार ने खरीद किया है उनका जो है ना अभी तक मना भुगतान नहीं किया ये सरकार। और अभी जब इलेक्शन सामने आया तो हम लोग सुन रहे हैं कृषि आशीर्वाद योजना जो है ये सरकार लागू करेगी, और ऐसा लागू करेगी वीडियो सीईओ कर्मचारी को डेली धमका रहा है, मुखिया को इसको उसको बोला, जबरदस्ती सबको जो है ना कृषि आशीर्वाद योजना दो। यदि सरकार का योजना सही होगा तो रैयतों को और किसानों को जबरदस्ती धमका के दिलाने का क्या जरूरत है। तो ये सरकार का नियत साफ है और ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी है सरकार, सिर्फ वोट के लिए ये सब नौटंकी कर रही है। ये कोल्हान की जनता जाने इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हल्ला बोल कार्यक्रम जिला मुख्यालय से शुरू किया है और इसको जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। सरकार को रघुवर भगाओ और झारखंड बचाओ का नारा चलेगा और झारखंड के स्वाभिमान के सवाल पर हम लोग का जय झारखंड नारा रहेगा। झारखंड का स्वाभिमान तभी होगा जब इस झारखंड राज्य का मूलवासी क्या मुख्यमंत्री होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ का मूलवासी को मुख्यमंत्री बनाएगा, ये जो है ना अभियान हम लोग चलाएंगे। चक्रधरपुर विधायक ने भी राज्य सरकार पर जनता के साथ वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाया। योजना का वादा किए थे, 5 साल में बहुत किसान के लिए, एजुकेशन के लिए,
यहाँ का लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे और किसान को मरने नहीं देंगे और कई कई तरह का मतलब इसने योजना बनाए थे। जैसा भी हमारे माननीय विधायक जी ने कहे कि 2018 में बिजली 24 घंटा पर पूरा घर 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 में जलेगा। आज तक हमको नहीं लग रहा है कि किसी गांव में कम्बा गाड़ा हुआ तो तार नहीं है, तार अगर खिंचा गया तो अपना ट्रांसफार्मर नहीं है। इस तरह से काफ़ी हमको इसकी क्या मैंने देखते हुए और इस तरह का गांव का जो समस्या को देखते हुए हम लोग ने ही आज धरना प्रोग्राम इसकी वजह से धरना प्रोग्राम सरकार का विरोध। ये सरकार चुनाव को लेकर के ही आज जो 1 एकड़ में 5,000 रुपया का लोगों को जबरदस्ती करवा रहा है और कई वीडियो लोग का मैंने उन लोग का वेतन बंद कर दिया है और इधर से DC बोला है कि कोई अगर वीडियो अपना प्रखंड में नहीं करा पाएगा उसको सीधा वेतन वहाँ का बंद करा दिया। तो ये जबरदस्ती क्या चीज का है? किसान चाहेगा करवाएगा, नहीं चाहेगा नहीं कराएगा। हो सकता है ये और वो भी लिखा है उसमें कि नीचे लिखा है वो फॉर्म में अपना स्वास्थ्य से हम मैंने ये आधार कार्ड वोटर कार्ड पासबुक पैन कार्ड वो सब अपना स्वास्थ्य से हम दे रहे हैं बोल के उसमें लोग को सीखने का वहाँ लिखा हुआ। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे क्या जाहिर? तो सीधा सीधी मैंने ये जमीन जो कल हम जो मैंने 5,000 के लिए हम सरकार को दे रहे हैं 1 एकड़ लगता है ये सब ये जो जमीन है भूमि बैंक में सीधा सीधा ये सरकार जमा करेगी या लैंड बैंक यही दिख रहा है। जबरदस्ती का मतलब क्या है? हमारी इच्छा नहीं है हम जबरदस्ती तुम मीट खिला दोगे फिर जमीन को जबरदस्ती हम 5,000 रुपया में हम तुमको सरकार को बंदगी दे रहे हैं मतलब ये एकदम मेरे जमीन को खत्म कर देगा क्योंकि जितना यहाँ का परती जमीन मैंने सब जमीन को तो ही भूमि बैंक में और लैंड बैंक में जमा कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार क्या करने चाह रही है। जबरदस्ती का मतलब है कहीं ना कहीं ये घोटाला और गड़बड़ है मेरा जमीन से। ये सरकार का मानसा बहुत गंदा है। एक तरफ से तो हम लोग का एजुकेशन खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया आप लोग जानते हैं? झारखंड जब अलग हुआ उसी समय क्या इसने सरकार ने बोला कि 1 क्लास से 8 क्लास तक किसी को फेल नहीं करना है। जो टीचर फेल करेगा अगर बच्चा को उसको सस्पेंड किया जाएगा। तब से हम लोग देख रहे हैं जब से झारखंड 18 साल हो गया अलग होने के बाद अभी तक टीचर बहाली 1 भी नहीं हुआ है ना कोई मैंने कर्मचारी को बहाली किया है। आज हमारा एजुकेशन को विलय कर रहा है। इसका मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं? हमारा स्कूल विलय होना मतलब खत्म। हमारा शिक्षा को ही झारखंड में खत्म करेगा ना नौकरी हमको शिक्षा देंगे ना आप नौकरी हमसे मांगिएगा। ये राज्य सरकार 2014 में जब चुनाव के समय में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से राज्य के जनता के सामने अपने वाक को रखा था हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य के जनता को न्याय देंगे, यहाँ के गरीब को मिटाएंगे, यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देंगे। सरकार बनी, चुनाव में उनको बहुत समर्थन तो मिला और बहुमत में भी आई और सरकार गठन हुई। सरकार गठन होने के बाद इसी जिला में रघुवर सरकार रघुवर मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ के ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा किया और एक ग्राम सभा के माध्यम से योजना बनाओ अभियान चालू किया था और हमारे जनप्रतिनिधि पंचायत के बहुत ही खुशी खुशी ग्राम सभा के माध्यम से योजना को चयन और सूचीबद्ध करके माननीय मुख्यमंत्री को देने का काम किया। भारत स्वच्छ अभियान का एक मिशन चलाया। हमारे गांव देहात के माता बहने उन लोग अपना सोच के अंदर में शौचालय भी सोच करेंगे और उसके लिए सरकार के जितने भी तंत्र है वो अपने उसमें लग गए कि हर घर घर में शौचालय बने और इसके लिए सभी तरफ से सूची मंगाने का काम किया और अपना खाता में लाखों का संख्या
अपना रजिस्टर में एंट्री हुआ कि हमारा पश्चिम सिंहभूम जिला में इतना शौचालय बनाए, इतने लाख शौचालय बनाए, और क्या उसका नतीजा आया? शौचालय बनाया, लोग बाहर में शौच करने गया। कारण क्या है? कारण यही था, शौचालय का जो नक्शा था काफी मोटे, आदमी कभी जाएंगे तो वहां घुस भी नहीं सकेंगे। और दूसरा उसका जो पेन है, सिर्फ पेन ही तक रहा, ना वो मैला भागने का और या बाहर निकालने का उसका कहीं जगह नहीं रहा। तो हम सबों के बीच में सरकार ने भिन्न भिन्न चीजों को लुभाने वाला बात रखा, लेकिन हमारा जो सोच है सोच के तहत अमल नहीं कर पाया, शौचालय भी वही रहा। डीपीएस पब्लिक स्कूल यानी दीपेंद्र प्रसाद साव पब्लिक स्कूल द्वारा महोत्साय में कब्रिस्तान की जमीन पर बनाए गए सभागार को आज सील कर दिया गया। एसडीओ सदर चैमासा परितोष कुमार ठाकुर की उपस्थिति में विवादित सभागार में ताला जड़ दिया गया। इस सभागार को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि कुछ महीने पहले ही जिला प्रशासन ने इसे हैंडओवर कर दिया था, लेकिन आज इसे विधिवत सील कर दिया गया। एसडीओ ने बताया कि जिस जमीन पर सभागार बना है वह सार्वजनिक भूमि है। नापी के दौरान यह स्पष्ट हो गया था, स्कूल की ओर से अतिक्रमण करते हुए इस पर निर्माण कार्य कराया गया था। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया चल रही है। ये अभी डीपीएस पब्लिक स्कूल में हम लोग आए यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ये एक मैटर था, जमीन रिलेटेड था, एक सार्वजनिक जमीन थी पीछे में, वो नापी में आ गया कि ये विद्यालय का जो नया ऑडिटोरियम बना है वो पब्लिक लैंड पे बन गया था। तो फिर ये मैटर जनसंवाद में गया, इसकी नापी वगैरह पहले हो चुकी थी, तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जितने जमीन पे अतिक्रमण है उस पे जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको उन्होंने स्वतः अपने से सरकार को दान कर दिया है, और उसके म्यूटेशन का भी प्रोसेस अंचल में है और वो भी बहुत जल्दी पूरा हो रहा है, और इसको हैंडओवर पहले ही ले लिया गया था, लेकिन आज इसमें विधिवत हम लोगों ने अपना ताला वगैरह लगवा दिया है और इसको अपने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो आज के डेट में अब जिला प्रशासन का एक एसेट हो जाएगा, और हम लोग इसको अपने जिला प्रशासन के रूप में जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें अगर कोई भी तरह के ऐसा समाज के स्तर से कोई बात आएगी तो, और कोई जमीन अगर अगल बगल होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति में हम लोग उसको देंगे। ऐसे मतलब थोड़ी सी जमीन है, मतलब जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन है बहुत बड़े भूभाग पे नहीं है, बाकी का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन लोग के द्वारा अगर बोला जाएगा तो हम लोग उसको भी इस्तेमाल करने के लिए देंगे। ये तो एक सार्वजनिक होगी, इसका एक दर वगैरह निर्धारित कर देंगे, कोई भी आदमी अपने किसी भी फंक्शन के लिए यूज करेगा इसको। आपको बता दें कि डीपीएस पब्लिक स्कूल के संचालक दीपेंद्र प्रसाद साव द्वारा दबंगई दिखाते हुए पान ताती समाज के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था और करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल का सभागार बनवा लिया गया था। इस दौरान समाज के लोगों ने जब भी विरोध किया उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी इस मामले को तरजीह नहीं दी, तब समाज के लोगों ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जनसंवाद में की, जिसके बाद प्रशासनिक टीम अचानक हरकत में आ गई। आरन फारन में कब्रिस्तान की जमीन की नापी कराई गई, जिसमें पता चला कि दीपेंद्र प्रसाद साव द्वारा अवैध तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य कराया गया है। अवैध निर्माण को तोड़ने की बात चली तो दीपेंद्र ने भाजपा में अपनी पहुँच का इस्तेमाल करते हुए इसे रुकवाने की पूरी कोशिश की। कुछ दिनों तक मामला फिर से ठंडा पड़ गया, लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी बीच दीपेंद्र प्रसाद ने अपने पहुंच के लोगों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन को यह समझाने का प्रयास किया कि सभागार को तोड़ने के बजाय प्रशासन अपने कब्जे में ले ले। हुआ भी वही, प्रशासन ने औपचारिकता निभाते हुए भवन को हैंडओवर ले लिया, लेकिन इसके बाद इस सभागार में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होने लगे, यानी कुल मिलाकर यह भवन दीपेंद्र प्रसाद के कब्जे में ही रहा। लेकिन लोगों ने एक बार फिर मामले की शिकायत जनसंवाद में की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और आज भवन को सील कर दिया गया। नगर परिषद के द्वारा निर्मित दादा दादी पार्क का उपायुक्त
अरवा राजकमल और नगर परिषद अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण आर्था इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 95 लाख रुपया की लागत से किया गया है। सिविल सर्जन आवास के पास निर्मित दादा दादी पार्क के उद्घाटन के मौके पर एसडीओ परितोष ठाकुर, सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे, कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, नगर परिषद उपाध्यक्ष डोमा मिंज के अलावे वार्ड पार्षद और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। भैंस के तबेले के रूप में चिन्हित उक्त स्थल पर बेहतर पार्क का निर्माण कराकर शहर के लिए अति सुंदर बना दिया गया। यह पार्क 650 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा है। पार्क में 200 बोलार्ड लाइट और 56 स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। आर्था इंडस्ट्रीज ने इस पार्क को 5 माह में तैयार किया। पार्क को बेहतर रूप देने के लिए मैक्सिकन ग्रास, साइकस, ग्रीन मुचिया, फोक्सटेल, पिक्सल और अशोक वृक्ष से सुसज्जित किया गया है। पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए हरिका, लेटिना येलो, पाम, रातरानी, चमेली, जूही और बेगन बिलिया का फूल लगाया गया है। दादा दादी पार्क में 3 फवारा भी लगाया गया है। पार्क का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बुजुर्ग महिला पुरुष को वॉक करने के लिए यह पार्क बनाया गया है। शहर में ऐसे और कई पार्क बनाए जाएंगे। आज सिविल सर्जन आवास के बगल में महिला कॉलेज के बाउंड्री वॉल के सामने एक अच्छा दादा दादी पार्क का कॉन्सेप्ट का लॉन्च किया गया है और करीब 95 लाख की लागत से नगर विकास विभाग का इस योजना को क्रियान्वयन किया गया और मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर परिषद के चेयरमैन नितेश जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभय जी और उनके सभी टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना जल्दी इस कार्य पूरा करके यहाँ के शहरवासियों के लिए ठहरने के लिए खास करके एज महिला और पुरुष को वॉक करने के लिए एक अच्छा सुंदर जगह ये लोग बनाए हैं। उम्मीद करेंगे कि और भी टाउन में इस तरह का बहुत सारे पार्क का निर्माण भविष्य में। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि चैवासा नगर को बड़े उपहार के रूप में दादा दादी पार्क समर्पित किया गया। इसका लाभ पूरे शहर को मिलेगा। चैवासा नगर परिषद को एक बहुत बड़े उपहार के रूप में दादा दादी पार्क आज सौंपा गया है। हमारे बीच यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कर्मठ और यहाँ के लोकप्रिय उपायुक्त उपस्थित है, साथ में जिले के सभी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और यह चैवासा शहर के लिए आज बड़े गौरव की बात है कि चैवासा जैसे छोटे शहर में इसके पहले एक दुबली पार्क जो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के अथक प्रयास से सीएसआर के माध्यम से टाटा कंपनी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया और एक बड़े पार्क के रूप में उसे विकसित किया गया, उसका फायदा पूरे शहर के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और ये पार्क भी आज शहर के लोगों को समर्पित किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पार्क का भी भरपूर फायदा शहर के हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े, युवा सभी उठाएंगे और यहाँ पे एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पाथवे बनाया गया है वॉक के लिए और साथ में यहाँ ओपन जिम की भी व्यवस्था है, फवारे भी हैं। चलो बता दें 95 लाख का ये था एस्टीमेट, इसका जीएसटी वगैरह लेकर के कुल 99 लाख हुए और ये अर्था इंडस्ट्रीज एजेंसी जो वेदांत जी के द्वारा संचालित है उनके द्वारा ये संपन्न कार्य कराया गया है। कल्याण गुरुकुल चैवासा में प्रशिक्षण प्राप्त 40 लड़कियों के दल को आज चेन्नई के लिए रवाना किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला यह 16वां बैच है। झारखंड में 25 गुरुकुल का संचालन हो रहा है जिसके जरिए अब तक 10,000 से अधिक युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर नियोजित किया जा चुका है। जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, आईटीडीए निदेशक शशि भूषण मेहरा और जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन ने युवतियों के दल को आज रवाना किया। ये 6 युवतियां चेन्नई के करूर टेक्सटाइल में काम करेंगी। एसडीओ कार्यालय जगन्नाथपुर में आज एसडीओ स्मिता कुमारी ने पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस पुस्तकालय में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध रहेंगी, साथ ही यहां बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी भी कराई जाएगी।
एसडीओ ने कहा कि पुस्तकालय खुलने से आसपास के बच्चे आकर पढ़ सकते हैं व अपने भविष्य को सार्थक बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।